بالله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله في القرآن المجيد وبالقرآن الحميد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. الحمد لله लास्ट संडे हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीरत हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है उनकी हमने सुन चुके हैं. बाकी जो हिस्सा था इंशाल्लाह हम आज उस पर बात करेंगे. तो हज़रत आयशा मुख्तसर सा मैं उनके फिर से जो है उनकी तारुफ करने की कोशिश करती हूँ. वो हज़रत आयशा जो थे कुरैश के कबीले आमिर बिन लोवी से थी और उनका लकब हुमैरा था और उनकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला थी. हुजूर की अजवाज की कुछ अहम हिकमतों का तस्कीरा इंशाल्लाह हम पेश खिदमत करते हैं कि इस्लामी इनकलाब की वसात तक पहुंचने के लिए ताल्लुकात की वसाअत और मुख्तलिफ खानदानों और बाअसर कबाइल का तआवुन एक बुनियादी जरूरत थी. इस गर्ज से हुजूर ने बहुत सी शादियां की थी. ये सब निकाह मुख्तलिफ कबाइल से थे जिनमें से अक्सर का सबब तालीफ खल्ब या सहारा देना था या उस खानदान से ताल्लुक व रिश्ता की मजीद गहराई मकसूद थी या उन रिश्तों से इस्लाम को तकवीयत और अल्लाह की खुशनुदी मकसूद थी. हजरत आयशा एक ऐसे महबूब तरीन रफीक और दोस्त से रिश्ते की इस्तेवार थी जिसने मक्का के मुश्किल तरीन दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था और मेराज के मौके पर भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वाकया नमुदार हुआ था तो सबसे पहले उसको सच मानने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु थे. तो उस वक्त से उनका लकब जो है सिद्दीक पड़ गया यानी सच मानने वाला. इसीलिए आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा को बिनते सिद्दीक और बिनते अतीक भी कहा जाता है. बिनते अतीक इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से उनको दुनिया ही में जहन्नुम की आजादी से खुशखबरी दे दी थी. और गारे सौर की हौलनाक तारीकी में भी आपका साथ दिया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने जिसने आप पर अपनी हर मता अजीज लुटाने की कोशिश की जो आपके अव्वलीन जानशीन हुए और मिजाज नबुवत की हामिल सहाबी और रफीक रसूल थे. इनके साथ रिश्ते का ताल्लुक कायम करना इनके एहसानात व मोहब्बत का कलबी व अमली एतराफ था. इसके अलावा हजरत आयशा के साथ शादी में हिकमत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में कोई ऐसी छोटी उम्र की खातून दाखिल हो जिसने अपनी आंख इस्लामी माहौल में ही खोली हो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में आकर परवान चढ़े ताकि इसकी तालीम व तरबियत पर लिहाज से मुकम्मल और मिसाली तरीके पर हो और वो मुसलमान औरतें और मर्दों में इस्लामी तालीमात फैलाने का मौसर तरीन जरिया बन सके. चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना और उनके आमाल व इरशादात का बहुत बड़ा जखीरा हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने अपने जहन में महफूज कर रखा था और दुरुस तदरीस और नकल और रिवायत के जरिए से उसे पूरी उम्मत के हवाले कर दिया. हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के अपने अखवाल व आसार के अलावा उनसे 2210 मरफुआ हदीस सही मरवी है और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को छोड़कर सहाबा व सहाबियात में से
किसी की भी तादाद हदीस में इससे जायद नहीं थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र मुबारक में हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह, हजरत आयशा का निकाह जब हुआ था जब आप 6 साल मुकम्मल थे और जब आपकी विदाई हुई थी मदीना के हिजरत के 1 साल बाद, पहली हिजरी में आपकी विदाई हुई थी, 9 साल की उम्र थी आपकी हजरत आयशा की। और जिस वक्त आपका निकाह हुआ था जिस महीने में, वो महीना भी शव्वाल का था और विदाई का जो महीना था वो महीना भी शव्वाल का था। और ये मसला मुत्तफिक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बियासत तमाम दुनिया के वास्ते थी और है, और दीन इस्लाम की तकमील आप ही के हाथों होने वाली थी और हुई। ऐसी सूरत में ये जरूरी था कि तबका अनास को अहकाम और मसाइल बतलाने के लिए आपके अकद में जहां कई एक उम्र रसीदा खवातीन हो, वहां एक कमसिन खातून भी जरूर होनी चाहिए थी, ताकि वो कमसिन और कुंवारी बच्चियां जो फर्ते हया से माँ बराबर जैसी औरतों से अपने मखसूस मसाइल पूछने में हया महसूस करें, वो खास आपसे मिलकर अपने हालात का इजहार करके अपनी जो है जो भी आपकी तशखीश होती थी औरतों की वो कर सके हजरत आयशा से। और इसके लिए सिर्फ हरम नबीवी में दाखिल होना ही जरूरी ना था, बल्कि इसके साथ आला दर्जे की काबिलियत का पाया जाना भी जरूरी था जो अहकाम और मसाइल के समझने में काफी मदद दे सके। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हजरत आयशा का कम उम्र में निकाह होना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये मकसूद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वो अमल को वो जाने, हर वो इल्म को वो पहचाने और अपने अंदर उसको जखीरा करके ये बातें दूसरे तक पहुंचाए। जैसा कि कई मसले मसाइल हजरत आयशा ही से मरवी है कि औरतों को हैज के, नफास के, तमाम जो औरतों के मसाइल होते हैं वह हजरत आयशा के हदीसों से हमें मालूम होता है कि हैज की हालत में हमको कैसा रहना है, नफास की हालत में, और इस्तेहाजा की औरत जो होती है उसको कैसा जो है इबादत करना है, क्या उसके दिन होते हैं इसके। और इस्तेहाजा की औरत का मसला ऐसा होता है कि उसको बराबर खून जारी होता है, जैसा कि 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन लगातार खून उसको जारी होता है उस औरत को, तो इस्तेहाजा की हालत की कैफियत ये होती है। तो इसमें जो है कैसे मसले मसाइल से पेश आना है, किस तरह से इबादत करना है, कहाँ तक हैज के दिनों को हम शुमार कर सकते, फिर उसके बाद हम हैज के यानी पाकी तहारत हासिल करके हम बाकी के दिनों में इबादत कैसे करते हैं इस्तेहाजा की हालत में, ये तमाम चीजें हमको हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से मिलती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये मकसूद था कि कम उम्र की लड़की कोई ऐसी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी में कि ये तमाम मसले मसाइल को जान सके और उम्मत तक पहुंचा सके, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुछ ऐसे अज़वाज मुतहरात भी थी जो शोहरों को छोड़कर आई थी, यानी तलाकशुदा मुतलका औरतें थी, और कोई कई ऐसे कुछ खातून ऐसी थी उस अजवाज मुतहरात के बेवा थी, और कुछ अजवाज मुतहरात ऐसी थी जो पहले शोहर से अपने बच्चों को लेकर आई थी। यानी ये 3 किस्म के जो अजवाज मुतहरात थी, ये कुछ ना कुछ जिम्मेदारी, कुछ ना कुछ उनके ऊपर यानी उनके ऊपर कुछ फिक्रें थी, लेकिन हजरत आयशा इन तमाम चीजों से बरी थी, कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी। इस लिहाज से अल्लाह ताला को यह मकसूद था कि ऐसी लड़की आपकी जिंदगी में आए। फिर कई ऐसे सहाबा, जैसा कि हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं रदी अल्लाह अन कि हम लोगों को कोई मुश्किल जब ऐसी आती हदीस के मुतालिक, तो हम उसका इल्म हजरत आयशा के पास से मालूम करते थे, वो हदीस को जानने की और समझने की कोशिश करते थे। यानी हर मसले का मुतालिक उन्हें सरवरे कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मालूम था। उस हदीस के मुताबिक जो कुछ भी उनको सहाबा किराम को मुश्किल पेश आती थी वो फौरन वो हदीस को लेकर हजरत आयशा के पास आते थे। और हजरत अरवा बिन जुबैर का कौल है
मैंने कुरान और हदीस, फिका, तारीख और इल्मुल अनसाब, इल्मुल अनसाब यानी नसबों, नसब जो खानदान का नसब होते हैं ना, वो इल्मुल अनसाब कहते हैं उसको। तो और इल्मुल अनसाब में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से बढ़कर किसी को नहीं देखा, यानी वो इतनी फकीह थी किताब और कुरान और हदीस की रोशनी में, और इतने ऐसे मसले मसाइल पेश करती थी। और अहनाब बिन खैस रदी अल्लाह अन्ह और मूसा बिन तलहा रदी अल्लाह अन्ह का कौल है कि हजरत आयशा से बढ़कर मैंने किसी को फसी उल लिसान नहीं देखा, यानी जबान में फसी नहीं देखा। हजरत मुआविया का कौल है कि मैंने हजरत आयशा से ज्यादा बलीग, ज्यादा फसी और ज्यादा तेज फहम कोई खतीब नहीं देखा। यानी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब सहाबा किराम को तालीम देती या फिर हदीसों की वजाहत करती तो पर्दे के पीछे से हर चीज का इल्म दिया करती थी। और हजरत आयशा सिद्दीका गो दीनी उलूम के अलावा, यानी दीनी इल्म के अलावा, वो तिब और यानी मेडिसिन और तारीख और शेर और अदब में भी महारत हासिल थी हजरत आयशा रदियल्लाहु। फिल हकीकत हजरत आयशा सिद्दीका का यह उल्म फजल इतना बुलंद था कि इसको बयान करने के लिए सैकड़ों सिफहात सफहात यानी दरकार, यानी हम इस मुख्तसर से अरसे में या वक्त में जो है हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सीरत हम बता भी नहीं सकते। बाज मखसूस फजाइल में हजरत आयशा सिद्दीका तमाम सहाबा और सहाबियात में इम्तियाजी हैसियत रखती है। वो फरमाती है कि कुछ औसाफ मुझ में ऐसे हैं, कुछ सिफात, कुछ क्वालिटीज मुझ में ऐसे हैं कि जिनमें दूसरी अजवाज मुतहरात में से कोई मेरी शरीक नहीं, यानी मेरे बराबर की नहीं। आइए अब हम देखते हैं कि वो ऐसे क्या थे सिफात जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा में मौजूद थे और दूसरे अजवाज मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें मौजूद नहीं थे। वो फरमाती है सिर्फ मैं ही कुंवारीपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, बाकी सब अजवाज मुतहरात हम अभी सुन चुके कि मुतलका थी, कुछ बेवा थी, कुछ शोहर छोड़कर आई थी, बस एक ही वाहिद अजवाज मुतहरात जो कुंवारीपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। और दूसरी जिब्राइल अलैहि सलाम अमीन, जिब्राइल अमीन मेरी शक्ल में हुजूर से मिले और कहा कि ये आयशा आयशा है, इनसे शादी कर लीजिए। अल्लाह ताला ने मेरे लिए आयते बरात नाजिल फरमाई, यानी सूरह नूर की जो आयतें 1:11 से लेकर 20 तक जो तोहमत लगाई गई थी हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर मुनाफिकीन, मदीने के मुनाफिकीन की ओर से, उस पर अल्लाह ताला ने बरात की आयतें नाजिल फरमाई 11 से लेकर 20 तक सूरह नूर में। फिर और बताती है कि मेरे माँ बाप दोनों मुहाजिर हैं, यानी मक्के के मुसलमान जो हिजरत करके मदीना की तरफ गए थे अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने, दीन को फैलाने के लिए, दोनों भी मुहाजिर थे। यानी बचपन ही से हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला ने ऐसे घराने में अपनी आंख को खोली और ऐसे घराने में परवरिश पाई कि वो शुरू से ही जो है इस्लाम के दावेदार थे और जो है इस्लाम का माहौल था उनके घर में। और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर सुबह शाम कोई एक वक्त पर हाजिरी दिया करते थे। और फरमाती है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होती और हुजूर नमाज में मसरूफ होते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यानी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो है सामने उनके सोई हुई रहती थी तो उनके सामने ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। फिर फरमाती है कि मैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे, यानी गुस्ल जनाबत जो वाजिब होता था तो एक ही बर्तन से दोनों गुस्ल किया करते थे। और नुजूल वही के वक्त सिर्फ मैं आपके पास होती थी, यानी जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नाजिल होती थी तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा आपके पास रहती थी, हाजिर होती थी। जिस दिन, और फरमाती है हजरत आयशा, जिस दिन मेरी बारी थी उसी दिन रसूल अल्लाह ने रहलत फरमाई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक दिन एक एक अजवाज मुतहरात के पास एक एक दिन बारी हुआ करती थी।
जिस दिन हजरत आयशा के घर बारी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पीर का दिन था उस दिन, उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहलत फरमाए। फिर फरमाती है, जब सरवर कायनात की रूह पाक ने आलम कुद्दुस की तरफ परवाज की तो हुजूर का सर मुबारक मेरी गोद में था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक यानी परवाज हुई तो उस वक्त आपका सर हजरत आयशा की गोद में था। और फिर आखिरी सिफात ये बयान की गई कि मेरे ही हुजरे को रहमतुल आलमीन का मदफून बनने की सआदत नसीब हुई। यानी जो हुजरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज जो खबर मुबारक है, उस वो जो जगह है वो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा था। ये कुछ सिफतें हैं जो हजरत आयशा फरमाती हैं। और फिर अगर आगे हम देखेंगे हदीसों से कि जिब्राइल अलैहि सलाम एक सब्ज रेशम के टुकड़े पर उनकी तस्वीर लेकर आए हजरत आयशा की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ये आपकी बीवी है दुनिया और आखिरत दोनों में। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे तुम ख्वाब में, यानी हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मुखातिब होकर फरमा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे तुम ख्वाब में दो मरतबा दिखाई गई, एक शख्स तुम्हें रेशम के एक टुकड़े में उठा लिए जा रहा था, यानी हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। उसने मुझसे कहा कि ये आपकी बीवी है, उनके चेहरे से पर्दा हटाओ। तो मैंने पर्दा उठाया कि वो तुम थी। मैंने सोचा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो खुद ही अंजाम तक पहुंचेगा, यानी वो ख्वाब सच्चा होकर रहेगा या अगर ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह से पहले ही जो है अल्लाह ताला ने ख्वाब के जरिए बता दिया कि हजरत आयशा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होने वाला है। और हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो कमसिन उम्र में, 6 साल की उम्र में जब निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में जब आपकी विदाई हुई मदीना जाने के बाद, तो एक वक्त ऐसा हुआ कि सफर पर थे सहाबा किराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा। तो सहाबा किराम को अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप लोग आगे चले निकल जाओ। फिर हजरत आयशा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ का मुकाबला, कहती है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ का मुकाबला किया। चलो आयशा हम दौड़ते हैं, दौड़ का मुकाबला करते हैं, रनिंग करते हैं। तो उसमें जो है उस वक्त जो है हजरत आयशा कमसिन थी और दुबली पतली थी, हल्की थी वो वजन में, तो इस लिहाज से हजरत हजरत आयशा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछा कर दिया, यानी इस दौड़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जीत गई थी। तो फिर उसके वक्त और एक बार ऐसा मौका पेश आता जब हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा यानी अच्छी उम्र को, यानी काफी शऊर की उम्र को जब वो पहुंच जाती और उनका जिस्म और बदन भी जो है जब भारी हो जाता, तो हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि चलो आयशा फिर एक बार हम दौड़ लगाते हैं। तो उस वक्त हजरत आयशा से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौड़ का मुकाबला होता तो उस वक्त हजरत आयशा पीछे रह जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत जाते उसमें, यानी आगे निकल जाते। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखिए यहाँ पर हम गौर करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र चाहे बड़ी थी हजरत आयशा से, लेकिन हजरत आयशा थोड़ी कम उम्र रहने से भी जो है वो वजन की तरफ से ज्यादा आगे जीत नहीं सकी, बढ़ नहीं सकी भागने में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ जाते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी उम्र में भी फिट रहे थे, यानी उनको उनका मुकाबला करते हुए वो जीत गए थे। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ आयशा, जो पहले तुमने जीत में जो यानी रेस में जो तुमने जीत गया था ना, वो आज उसका बदल हो गया। सुभान अल्लाह। यानी इस लिहाज से हम आपको, ये हदीस से हम आपको पता चलता है कि शौहर जो है अपनी अजवाज यानी बीवियों से भी जो है ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स भी कर सकते हैं और ऐसे जो है ऐसा वक्त भी गुजार सकते हैं, यानी अकेलेपन में अपनी बीवी के साथ ऐसे जो है मामला भी कर सकते हैं, ना कि तमाम सारे लोगों में।
फिर हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हु के बारे में एक और हदीस हम सुनते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने कुछ सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मर्द यानी आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा से मैंने पूछा, और मर्दों में फरमाया कि उसके बाप यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत है। फिर उसके बाद मैंने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर बिन खत्ताब से। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत आयशा से थी, क्योंकि वो कम उम्र की लड़की थी और उनको जिस तरह से मोहब्बत का इजहार करना था वैसा अल्लाह के रसूल उनके साथ बराबर कोई चीज की कमी उसमें जो है नहीं फरमाते थे, जैसा वो पसंद करती थी। जैसा कि अब हम लास्ट लेक्चर में भी सुन लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल तमाशा देखने के लिए भी हजरत आयशा के साथ बराबर शरीक रहते थे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फरमाया कि आयशा, ये जिब्राइल है, जिब्राइल अलैहि सलाम आए हैं, तुमको सलाम कह रहे हैं। यानी जिब्राइल अलैहि सलाम भी जो है हजरत आयशा को सलाम किया था। हजरत आयशा ने जवाब दिया, मैं कहा जवाब में कहा कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो चीजें देखते हैं जिन्हें आप वो चीजें देखते हैं जिन्हें मैं नहीं देख सकती। इससे मुराद हजरत आयशा रदिल्लाहु अन्हु को क्या थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्ते थे सिर्फ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दिखा करते थे, लेकिन हजरत आयशा उससे खासिर थी देखने से। और अबू मूसा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कोई हदीस मुश्किल होती तो हमने उसके बारे में हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से पूछा तो हमें उनके पास उसके बारे में कोई जानकारी जरूर मिली है। यानी ऐसी हदीसों की वजाहत फरमाती थी कि हमें अच्छे तरीके से वो हदीस हमको समझ में आती थी। इस तरह से कई सहाबियात का कौल है कि हमने आयशा को जो है ज्यादा बलीग और ज्यादा फसी, ज्यादा तेज फहम की खतीब नहीं देखा। और एक बार ऐसा होता है कि एक सहाबी से हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हु से एक सहाबी पूछते हैं कि अम्मा जान, यानी मैंने आपकी जहानत और समझदारी पर ताज्जुब नहीं करता। यानी आप वो सहाबी आयशा रदियल्लाहु अन्हु से फरमा रहे कि मैं आपकी जहानत पर ताज्जुब करता हूँ, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि आप रसूल अल्लाह की जौजा और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की दख्तर है, बेटी है। मुझे आपके इल्म और इशार में और तारीखी मालूमात पर भी ताज्जुब नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि आप अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की दख्तर है। फिर आप मुझे आ तो आपकी तबी मालूमात पर ताज्जुब है कि यह आपको कैसे हासिल हुई। यानी तिब का जो मामला होता था, जो मेडिसिन बनाने की जो हजरत आयशा को महारत हासिल थी यानी उनको इल्म था, तो वो सहाबी उनसे पूछते हैं तो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा जो है फरमाती है, मेरे कंधे फरमाती है, ए उरैया, आखिरी उम्र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार रहते थे। यानी जब आखिरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी दिनों में जब बीमार रहते थे तो उनकी खिदमत में अतराफ व अतराफ अरब से कुछ वफूद आया करता था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुख्तलिफ दवाएं और नुस्खे बयान करते थे और मैं आपका इलाज मुआलिजा किया करती थी। यानी वो जो बयान करते थे नुस्खे, उस नुस्खे से मैं दवाएं बनाया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करती थी। ये मुझे मालूमात इस तरह हासिल हुई। और अब्दुल्ला बिन जुबैर जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि हजरत आयशा रदी अल्लाह अनहा के भांजे, जो हजरत अस्मा रदी अल्लाह अनहा के साहेबजादे थे, तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की आदत थी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो रिस्क भी उनको मिलता था वो उसे सदका दिया करती थी, ना कि अपने लिए रख लेती थी वो। तो एक वक्त ऐसा होता कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु जो है किसी से कहा, कोई सहाबी से फरमाते
कि कहा कि उम्मुल मोमिनीन को इससे रोकना चाहिए, यानी इस सदके से रोकना चाहिए कि इतना इनको नहीं देना चाहिए कि वो घर में भी कुछ ना रख ले। तो इस बात पर जो है हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को जब ये बात मालूम होती तो वो नाराज हो जाती और जो है उनसे बात ना करने का अजम कर लेते। तो इस पर जो है फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो है हजरत मालूम होता कि वो बात नहीं कर रही इस वजह से कि जो उन्होंने कहा था हजरत आयशा रदिल्लाहु अन्हा के तरफ से कि उनको ये सदखा से रोकना चाहिए, तो वो जो है दूसरे सहाबियात को ले जाकर हजरत आयशा से जो है अपनी बात मनवा लेते। और जो है इस बात पर हजरत आयशा जो कि अपना सगा भांजे थे, यानी उन्हीं के नाम से अपनी कुनियत भी रख ली थी, उम्मे अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन जुबैर, यानी अब्दुल्ला जो भांजे थे उन्हीं की कुनियत से उम्मे अब्दुल्ला के नाम से यानी कुनियत से जानी जाती थी हजरत आयशा। तो जब ये बात आपके भांजे को मालूम होती तो वो सहाबी को दो सहाबी को ले जाकर अपना मामला यानी रफा दफा करवाते कि मेरे खाला जो है इस तरह से नाराज है मैं ये बात कहने पर, वो बात खत्म हो जाती, हजरत आयशा का गुस्सा भी खत्म हो जाता और वो क्या करती गुलाम को आजाद करती, गुलामों को आजाद करती, उसका कफारा था। तो देखिए हमें भी ये यानी और वो बहुत ज्यादा इस बात पर रो चुकी थी कि मैंने ये कसम कैसे खा ली कि मैं हजरत यानी अब्दुल्ला से बात ना करूं। तो इस बात से हमारे को ये भी इल्म होता है कि हमारे रिश्तेदारों में भी या करीब के मेल जोल वालों में भी जो है हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते और उनसे अपना आवाज आ रही, मेरी आवाज क्लियर है सबको? जी यस बाजी यस अलहमदुलिल्लाह जजाकुमुल्लाह खैरा। तो हमारा ये रवैया होता है कि अपने खानदान वालों से हम छोटी छोटी बात पर नाराज होकर उनसे खता तालु कर लेते, तो ये चीजों से हमको गुरेज करना चाहिए मेरे अजीजों, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जो कोई भी अपने रिश्तेदारों से खता ताल्लुक करता है अल्लाह ताला उसको जन्नत की खुशबू भी मयसर नहीं करता। अल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी वईद है उसके लिए। आज हम उसको इतना आसानी से लेकर चलते हैं कि उन्होंने नई बात करे तो नई बात करे, मैं भी उनसे नई बात करती हूँ और सामने वाले को और गुस्सा आया था, उन्होंने नई बात करे तो हम भी नई बात करना, ऐसा जो है हमारे जो है खानदानों में ये रिवाज ये जो है ऐसा चलते ही रहता। तो ऐसे चीजों को हम जो है तर्क करने यानी इसको खत्म करने की कोशिश करें, और जो है उनसे और ज्यादा जब किसी से हमको नाराजगी भी हो जाए अपने खानदानों में तो उनसे मेल मिलाप का जरिया क्या है कि उनको तोहफे तहाइफ उनके खिदमत में पेश करें ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए और हम एक दूसरे से जो है दिलों के कीना कपट बख्ज जो भी बातें हुई थी वो तमाम चीजें जायल हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि तोहफे तहाइफ उनके वहां पर हमको तोहफे तहाइफ की देने की जरूरत है, मगर आजकल मुआशरे में ऐसा हो गया कि शादियों में जैसे कि जो तकारीब होते हैं जो फंक्शंस होते हैं उसमें खास तौर से कीमती कीमती तोहफे वहां दिए जाते जबकि खानदान वाले एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते। बस ये बात पर कि हमारा तोहफा बेहतर रहना, हम खास लोग हैं, हम करीबी लोग हैं, ये नीयत होती। लेकिन तोहफे तहाइफ हम आप इस्लाम के अगर हम देखेंगे इस्लाम के दायरे में रहकर तो हमको कहाँ पर देना है, किस वक्त देना है, जब किसी से नाराजगी होगी तब वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है तोहफों को देना, उससे जो है दिलों की जो नाराजगी है दिलों का जो गुस्सा है वो यानी मोहब्बत में तब्दील हो जाता। ये बात पर हमको गौर फिक्र करना है और जो है ये हमको अजम भी नहीं करना है कि हम किसी से खता ताल्लुक कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला की वईद है कि उसको जन्नत की खुशबू भी मयसर नहीं होती। अल्लाह ताला हम तमाम को इससे बचाए, आमीन। फिर हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा जो है इतनी जो है यानी हिम्मत दराज खातून थी कि उहद की लड़ाई के मौके पर जो है बहुत ज्यादा वो सहाबा कराम की मदद भी करती थी, जैसा कि सहाबा कराम को जब पानी की जरूरत होती थी पीने की लड़ाई में जंग में वो, तो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा और उम्मे सुलेम जो अनस रदियल्लाहु अन्हा अन्हु की वालिदा थी वो दोनों जो है मशकीजों में पानी भर भर के जो है जंगे उहद में सहाबियों को पिलाया करती थी। और एक सहाबी कहते हैं कि मैंने उनकी पाओं की पाजीबें भी देख रहा था, यानी इस तरह से वो दौड़ रही थी पानी के मशकीजों को लेकर सहाबियात को पिलाने के लिए कि
कि उनके पांव के पैजेब भी जो है नजर आ रही थी। अल्लाहु अकबर, यानी इतनी जो है वो हिम्मत वाली और जो है एक स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथी वुमेन थी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा। और हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मेरे घर में मेरी बारी के दिन हुई। आप उस वक्त मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे। जब आप बीमार पड़े तो हम आपकी सेहत के लिए दुआएं किया करते थे। यानी आखिरी वक्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो बहुत ज्यादा अलील था, तो उसमें 11 दिन, यानी 11 दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा शदीद तकलीफ में मुलविस थे। तो उसमें से जो है 5 दिन हजरत दूसरे अजवाज मुतहरात के घर में गुजारते, बाकी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही फिक्र होती थी कि कल किसकी बारी है, कल किसकी बारी है। यानी वो ये चाहते थे कि हजरत आयशा के पास उनके दिन गुजरे, तो इस बात को समझ जाते थे दूसरे अजवाज मुतहरात, और उन्होंने ये इजाजत दे दी कि आप बाकी के दिन जो है, मतलब आप जो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पास रह सकते हैं। तो हजरत आयशा के पास इस तरह से जो है बाकी के अजवाज मुतहरात ने इजाजत दे दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी आखिरी दिन थे उन्होंने वहां पर गुजारी, और पीर का दिन ही जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत का, जो हजरत आयशा की बारी का दिन था। और फिर अब हम देखते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अनहा की जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जो कुरान में अल्लाह तआला ने उसका जिक्र फरमाया कि सूरह नूर की आयतों में सूरह वाकया इफक का हमने लास्ट टाइम सुन चुके, और अब देखते हैं वाकया तहरीम के बारे में। अल्लाह ताला सूरह तहरीम की आयत, पहली आयत में फरमाता है, या अय्युहन नबीयो, या अय्युहन नबीयो लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मरदात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हराम क्यों ठहराते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है? आप अपनी बीवियों की रजामंदी चाहते हैं, और अल्लाह खूब बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। यानी ये आयत का तर्जुमा है। ये वाकये के पीछे इसका इसका नुजूल, मतलब इस वाकये के पीछे बात ये थी कि हजरत ज़ैनब बिनते हजश रदी अल्लाह अनहा के पास शहद आया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि नमाज असर के बाद, नमाज मगरिब तक, वो हर एक अजवाज मुतहरात के पास हाल चाल पूछने के लिए जाया करते थे। तो हजरत ज़ैनब बिनते हजश रदी अल्लाह अन्हा के पास कुछ देर ज्यादा रुक जाते, यानी वो वहां पर शहद नोश फरमाते, तो इसमें थोड़ी काफी सी देर हो जाती। तो इस पर जो है हजरत आयशा रदी अल्लाह अनहा को गैरत आती, और हजरत हफ्सा भी इसमें साथ रहती। तो वो दोनों एक दूसरे को बोल लेते कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, तब हम ये कहेंगे कि आपके मुंह से मगाफिर की बो आ रही। तो वैसे वो दोनों प्लानिंग करके रहते। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास आते, तो हजरत आयशा यही फरमाती कि आपके मुंह से जो है मगाफिर की बो आ रही, क्या आप ने मगाफिर खाई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते नहीं। फिर यही बात हजरत हफ्सा के पास जब जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब भी जो है हजरत हफ्सा जो है यही फरमाती कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार लगती है ये बात, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त जो है पाकिजा तौहा मुतहरा रहना जो है पसंद फरमाते थे, कोई चीज की वो पसंद नहीं फरमाते थे। तो वो ये सुनकर नागवार महसूस किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपके मुंह से जो है मगाफिर की बू आ रही। तो इस दौरान जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कसम खा लेते कि मैं अब से शहद नहीं पीऊंगा। तो अल्लाह ताला फौरन वही के जरिए ये आयत नाजिल फरमा देते कि ऐ नबी, आप हराम क्यों ठहराते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया? यानी शहद ये उम्मत के लिए हलाल है, सबके लिए हलाल है, यानी बंदों के लिए हलाल किया गया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने अजवाजे मुतहरात की मोहब्बत में आकर वो शहद को अपने ऊपर हराम कर चुके थे, यानी एक लम्हे के लिए। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए उसवा हसना है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे वो पूरी उम्मत उनके लिए एक
आइडियल है। तो ये अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए हराम कर करार देते तो ये उम्मत के लिए भी जो है हराम हो जाती थी। तो इसलिए अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज को हराम कर ले जो अल्लाह ने उनके लिए हलाल किया था। तो फिर हजरत हफ्सा से फरमाते कि मैंने ये कसम खा ली है कि आइंदा से मैं जो है शहद नहीं पीऊंगा, और ये बात आप किसी अजवाजे मुतहरात से नहीं कहना, मत कहना। तो हजरत हफ्सा जो है ये बात नहीं रोक सकती अपने अंदर, और ये बात दूसरे अजवाजे मुतहरात को बता देती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कसम खाई। तो अल्लाह ताला ने फौरन जो है फरमा देते आगे के मतलब एक आयतों में के यही सूरह तहरीम के आयतों में, जब आपने अपनी बीवी में से किसी एक से अपनी बात छुपा कर कही, फिर जब उसने दूसरी को वो तबाही यानी वईद असर, सूरह तहरीम की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, वईद असर नबी इला बादी अजवाजी हदीथा फलम्मा नबअत बिही व अज़हरहु अल्लाह अलैहि अरफा बादहु व अराद अन बादिन फलम्मा नबअह बिही قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير। यानी इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि जब नबी ने अपनी बीवियों में से किसी एक को कहा कि बात छुपा कर रखना, फिर जब उसने दूसरी को वो बात बता दी तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन जो है गुफ्तगु जाहिर कर दी, उस पर जो है गुफ्तगु अल्लाह के नबी पर जाहिर कर दी। तो इसने में से तो उसने उसमें से कुछ उस बीवी की जताई हुई कुछ टाल दी। फिर जब उस नबी ने उसे वो बात बताई तो वो कहने लगी आपको ये किसने बताई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए वो बात बता दी कि ये अजवाजे मुतारात में से किसी ने आपकी ये बात को फैला दिया है, उसको दूसरों को बता दिया है। तो हजरत अजवाजे मुतारात में से किसी ने पूछता कि आपको किसने ये बात बताई, फिर नबी ने फरमाया मुझे खूब जानने वाले बहुत बाखबर अल्लाह ने ये खबर दी है। यानी जो कुछ भी मामला पेश आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला वही के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया करते थे कि उनके पीछे क्या प्लानिंग्स चल रहे हैं। और फिर जो है वाकया ईला में जो है ऐसा होता है कि अजवाज मुतहरात के लिए गल्ला और खजूर की तादाद जो मुकर्रर होती थी वो उनकी जरूरियात के लिए काफी ना थी। यानी जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खजूर की जो मिकदार होती थी, गल्ला होता था अजवाज मुतहरात में, वो अजवाज मुतहरात जो अपने लिए उसको कमी महसूस करने लगे उसमें, और तंगदस्ती से गुजारा का वक्त गुजारती थी। इधर अमवाल गनीमत और सालाना महासिल में काफी इजाफा हो चुका था, यानी माल गनीमत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करता था। जो जंगों में मुसलमान जीत जाया करते थे, जो काफिरों का माल होता था वो माल गनीमत कहा जाता था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हलाल था वो माल गनीमत। तो ये माल गनीमत में से कुछ अजवाज मुतहरात जो है ये ख्वाहिश करती थी कि हमारे पास जो गल्ला आता है उसमें जो है माल गनीमत में से भी और कुछ ज्यादा गल्ला आ जाए तो बेहतर है। तो इस बात से जो अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। और फिर जो है ये बात जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अनु और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अनु को जब पता चलती कि उनकी बेटियों ने हजरत आयशा हजरत हफ्सा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अनु की बेटी जो थी हजरत हफ्सा थी, तो वो दोनों सहाबी जो अपने बेटियों को समझा कर इस मुतालिबे से बाज रखा, यानी ये जो बातें रखी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अजवाज मुतहरात, वो दोनों अपनी बेटियों को इससे चुप करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी अजवाज मुतहरात इस पर मुतालिबा जो है कायम रखी थी, वो दूसरी अजवाज इत्तेफाक से उसी जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घोड़े से गिर पड़े और पहलू मुबारक में चोट लग गई। तो आपने हजरत आयशा के हुजरे से मुत्तसिल एक बालाखाने पर क्याम किया और फरमाया और अहद किया कि एक महीने तक अजवाज मुतहरात को ना मिलेंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने अजवाज मुतहरात जो गल्ले की ज्यादा मिकदार होने की ख्वाहिश रखी थी नाराजगी पर जो है एक महीने तक जो है नहीं मिलने की अहद कर लिया था। मुनाफिकीन जो मदीने के थे वो ऐसे ही मौकों की तलाश में हुआ करते थे। उन्होंने मशवरा दिया कि आपने बीवियों को तलाक दे दी, तो तमाम सहाबा कराम ये खबर सुनकर जो है सख्त रंजीदा हो गए, परेशान हो गए। और फिर जो है हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन हुजूर की खिदमत में पेश हुए, और आप जब देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत उमर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चारपाई पर लेटे थे और जिसमें अथर पर जो है आपके निशान लग चुके थे। ये देखकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु को आंखों से जो है आंसू जारी हो जाते। फिर फरमाते, अल्लाह के रसूल, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी? तो यानी ये कोहराम मच जाता कि 1 महीने तक नहीं मिलने से कि तलाक हो गई मदीने में। तो इस पर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु तहकीक करने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते और फरमाते कि क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर हजरत उमर फारूक ये खुशखबरी तमाम लोगों को सुना देते और अजवाजे मुतहरात को भी जो है जब ये बात मालूम होती तो उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती। तो उसके बाद जब 1 महीने यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिन जब अपने यानी कमरे से निकलते तो सीधा अपने कौन से अजवाज मुतहरात के पास जाते? पहले हजरत आयशा के पास जाते। तो हजरत आयशा फरमाती कि अल्लाह के रसूल, मैं एक एक दिन गिना करती थी आपके आने का। तो फरमाती है कि 29वां दिन है आज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि महीना कभी 30 दिन का भी होता है, कभी 29 दिन का भी होता है। नहीं बरकत बाय बाय। किंजा फातिमा, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैर। फिर हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज या उमरे का एहराम बांधते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर खुशबू लगा दी थी। सुभान अल्लाह, यानी एहराम बांधने से पहले गुसूल के बाद मर्द के लिए सुन्नत है कि जिस्म पे अपने जो है खुशबू लगाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा जो जिस्म मुबारक पर खुशबू लगाया करती थी एहराम बांधने से पहले। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की अज़्वाजी जिंदगी के 9 बरस गुजर गए। तो आकाए दो जहां यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज वफात में मुब्तला हुए तो 13 दिन अलील रहे। तो उन 13 दिनों में 5 दिन दूसरे अज़्वाज मुतहरात के पास क़याम किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 8 दिन बाकी के 8 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के पास। और फिर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात यानी रूह परवाज हो चुकी थी, जब के सीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक हजरत आयशा सिद्दीका रदिल्लाहु अन्हा के सीने पर रखा हुआ था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त यानी रहलत हुई थी उस वक्त आप हजरत आयशा की उम्र 18 साल थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या आप हजरत आयशा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 9 साल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ विदाई के बाद 9 साल आपके साथ थी, और इस लिहाज से जो है आपकी साल मुकम्मल 18 साल थी हजरत आयशा की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। तो मेरी अजीजों, हम यहाँ पर जो हमको यहाँ पर कुछ सीखना है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से कि वो अपनी उम्र जितना हो सके अपनी उम्र जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर और जो है नफीलों में और ज्यादा कसरत से रोजों में गुजारती थी, नफीलों की नमाजों नफील नमाजों में गुजारती थी अपना वक्त, और ज्यादातर सहाबा किराम को दीन की तालीम देने में गुजारा करती थी। तो इनसे हम आपको क्या सबक मिल रहा है आपकी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी से कि हमको भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एक औरतें हैं, तो चाहे तो हम भी जो है इल्म कुरान और हदीस का सीख सीख सकते हैं, और जो है ये इल्म हम दूसरों तक भी पहुंचाने के हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बल्कि तमाम उम्मत की जिम्मेदारी है कि जो भी कुछ हम सीखे कुरान और हदीस की रोशनी में वो तमाम बातें हम दूसरों तक पहुंचाएं। क्योंकि कयामत के दिन देखिए 5 ऐसे सवाल होने वाले हैं जो हर किसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा,
पूछेगा। क्या है वो पांच सवाल? पहला सवाल ये है कि अल्लाह ताला फरमाए पूछेगा कि तुमने अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जिंदगी कहाँ, जिंदगी का जो वक्त मैंने तुमको दिया था, उम्र जो तुमको दी थी, किसी को 60, किसी को 50, किसी को 30, किसी को 100, इस तरह से हर एक की जो उम्र के मुख्तलिफ साल है, वैसे जो है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला भी सवाल करेगा उस जिंदगी के मुतालिक के तुमने अपनी उम्र कहाँ पर गुजारी। तो हम क्या जवाब देंगे? जब हर एक को ये सवाल का जवाब देना है मेरे अजीजों, जब तक हम ये सवाल का जवाब ना दें, हमारा इंच भी एक जो है पैर का हटने वाला नहीं है। तो हमको चाहिए कि जितना हो सके अपनी जिंदगी का वक्त नमाज के अलावा, नमाज तो फर्ज है, रोजा तो फर्ज है, कुरान की तिलावत हम पर करना ऐन फर्ज है, लेकिन इसके अलावा भी हमको और कुछ ऐसे फराइज है जो हमको अंजाम देना है। हमको इल्म सीखना है और उसको दूसरों तक पहुंचाना है, अमल भी करना है। फिर दूसरा सवाल क्या होगा कि मैंने तुमको जवानी की ताकत दी थी, वो कहाँ पर तुमने सर्फ की, खर्च की तुमने, ठीक है, सर्फ या खर्च की, यानी जो जवानी की ताकत होती है उसी में हम ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करके दूसरों को उसकी तरगीब देते हैं, बताते हैं, इल्म की वजाहत करते हैं, उसको अच्छे शऊर से समझ सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं, वो जवानी में ही। बुढ़ापे की उम्र में हम ये अमल अंजाम नहीं दे सकते। तो जितना हो सके अपनी जवानी की हर एक लम्हे को जो है इससे फायदा उठाते हुए अपने खुद और दूसरों को भी इससे फायदा जो है देंगे हम इंशाल्लाह, और ये फायदा हमारे लिए दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। फिर तीसरा और चौथा सवाल माल ही के मुतालिक है कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने माल को कहाँ से खर्च किया, कहाँ पर से कमाया, और चौथा सवाल माल को कहाँ पर खर्च किया, यानी माल को किस तरीके से कमाया, तीसरा सवाल के हलाल तरीके से या फिर हराम तरीके से, और फिर चौथा सवाल माल को तुमने कहाँ पर खर्च किया, यानी हराम जराए में खर्च किया या फिर हलाल जराए में, और पांचवा सवाल देखिए इल्म को कितना तुमने हासिल किया और उसको दूसरों तक अमल करते हुए कितना पहुंचाया। तो जरूरी है कि हम इल्म सीखें और दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा देखिए अपनी पूरी यानी जिंदगी में 2210 हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की और उसकी तालीम व तरबियत जो है सहाबा किराम को दिया करती थी। तो हमको भी ये चाहिए कि हम भी जो है इल्म को हासिल करें और उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। पहला हमारे को पहला जो है अपने घर से ही जो है इल्म की तरबियत देना हमारा फर्ज है। पहले अपने घर वालों को बताएं, फिर अपने खानदान वालों को, अड़ोस पड़ोस को, तमाम लोगों को जो मेलजोल की औरतें हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह तकासुर में फरमाता है आखिरी आयत, थुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, यानी तुमसे उस दिन जरूर जरूर जो है नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। तो देखिए नेमतें क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे को दुनिया में जो हमारे को खुशियां मिल रही, जो हमारे को सुकून आराइश का जो जराइए हासिल हो रहे हैं, क्या वही एक नेमत है हमारे लिए? नहीं, हमारे लिए नेमत हमारी सेहत भी एक नेमत है, हमारे लिए नेमत हमको जो इल्म हासिल करना है वो इल्म भी हमारे लिए एक नेमत है। तो अल्लाह ताला इन नेमतों की, तमाम जो नेमतें हैं इंसान की, आखिरत में उसे सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी सेहत की नेमत को कहाँ पर खर्च किया, अपना इल्म जो नेमत जो मैंने दी थी तुमको, वो इल्म की नेमत को तुमने कहाँ तक हासिल किया और लोगों तक कितना पहुंचाया। एक एक नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा मेरे अजीजों। हमको चाहिए कि अपनी जिंदगी यूं ही ना बसर कर दे बस दुनिया को तरजीह देते हुए, बल्कि उसको हम हर एक लम्हा अल्लाह की रजा में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को जो है आखिरत को संवारेंगे जिंदगी गुजारते हुए। ये दुनिया ही एक ऐसी जो है फाउंडेशन है, एक ऐसी बुनियाद है कि हम इससे अपनी आखिरत को संवार सकते। अगर हम ये दुनिया में आए, हमारा मकसद क्या था दुनिया में आने का, इसके बावजूद भी हम ये नहीं जान सके हमारी जिंदगी में आने का मकसद, दुनिया में आने का क्या है। अगर हम यूं ही जिंदगी के दिन खत्म कर लिए, मौत आ गई, मौत तारी हो गई, तो फिर हम आखिरत में जो अबदी घर है, जो हमेशा रहने वाला घर है, वो घर के लिए हम क्या तैयारी करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वक्त यानी यही फिक्र रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है सही तरीके से हम अमल करें, इल्म सीखे और जो है
آخرت کو سنوارے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن اس لیے نازل فرمائے کہ ہم اس پر جو ہے غور و فکر کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارے. دیکھیے ازواج مطہرات بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, وہ بھی جو ہے کیسا اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری, توحید پر کیسے قائم رہتی تھی وہ, اللہ کے رسول کے ہر ایک احکام پر کیسے وہ وقت گزارا کرتی تھی, کیسا صدقہ خیرات اور جو ہے یتیموں کے ساتھ, اور جو ہے خود محنت کر کے جو پیسہ کماتی تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتی تھی صدقے کے متعلق. آج ہم کو ویسے بھی جو ہے مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ ہم جتنا ہو سکے اپنے خرچوں کو اپنی ذات پر اپنی خواہشوں پر زائل نہ کرتے ہوئے اس کو تھوڑا کم مقدار میں لیتے ہوئے دوسروں کے حق میں بھی جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرے تاکہ اس سے ہماری آخرت بن جائے. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق دے, آمین. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھیے, جب آپ بھی جو ہے آخری وقت میں اپنے جب یعنی وفات کے قریب اپنے یعنی جب وہ انہوں نے جب بیمار یعنی تھوڑا علیل ہو گئی تھی تو کچھ صحابیہ ان کی خدمت میں جو ہے حاضر ہوتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے, یعنی جو جس قدر وہ ان کو صحابہ صحابیات کو تعلیم دیا کرتی تھی, جس قدر وہ زندگی گزاری تھی ان کے ساتھ ان کے بیچ رہ کر, تو وہ لمحوں کو یاد کرتے ہوئے حضرت عائشہ کے پاس ان کی تعریف جا کر کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ وہ سننا بھی کسی کے منہ سے پسند نہیں فرماتی تھی. یعنی وہ چیز یعنی وہ اپنی تعریف کسی کے منہ سے سننا بھی پسند نہیں فرماتی تھی, جبکہ صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتے تھے یعنی باری کے دن حضرت عائشہ کے پاس, تو صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ تحفے تحائف اللہ کے رسول کو پیش کیا کرتے تھے, کیونکہ صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو بہت زیادہ خوشی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی ہے میم کی؟ جی جی ہاں آواز نہیں آ رہی. جی ویٹ کرے شاید کچھ پرابلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صحابہ کرام کو اپنی آخری عمر میں یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ ان کو جب دفن کرنا ہو تو رات ہی کے وقت ان کو دفن کیا جائے, نماز جو ہے یعنی رات کے وقت. تو جیسا آپ یعنی حضرت عائشہ جب وفا کی تو نماز وتر یعنی عشاء کی نماز کے بعد جنت البقیع میں آپ کو مدفون کیا گیا,
उस शब यानी उस रात जो है जन्नत अलबाकी कभी नहीं देखा था। तो हजरत हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु ने आके भांजे थे और हासिम बिन महदुल बिन अब्दुल रहमान ने हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा को कब्र में उतारा। फौजी आपकी आवाज ब्रेक हो रही, मां नहीं आ रही क्लियर। वाईफाई करंट चले गया अभी, नहीं अभी भी ब्रेक हो रही, नहीं आ रही क्लियर। अब रिजॉइन करना ओके ठीक है। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की वफात का वक्त जब करीब आया तो आपने जो है सहाबा कराम को ये वसीयत की थी कि आपको जो है रात के वक्त दफन किया जाए, यानी वो दिन के वक्त जो है पसंद नहीं फरमाई थी। तो इस वसीयत के मुताबिक ही जो है सहाबा कराम ने आपको नमाज वितर के बाद जन्नतुल बकी में जो है दफन मदफून किए। इस यानी उस रात जो है जन्नतुल बकी में इस कसरत से लोगों का हुजूम था कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और अब्दुल्ला बिन जुबैर जो के आपके भांजे थे और कुनियत थी आपकी अब्दुल्ला और खासिम बिन मोहम्मद, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद और अब्दुलरहमान और अब्दुल्ला बिन अब्दुलरहमान ने आपको कब्र में उतारा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो भी सीखे हैं उस पर अमल की तौफीक दे और हमको ज्यादा से ज्यादा कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। और मेरे अजीजों, इससे पहले भी जो हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा और हजरत सौदा बिनते जमा की भी जो है आप लोगों को वेबसाइट पर लिंक शेयर कर दी गई है, वहां पर आप लोग जाकर उनके भी जो है सीरत को सुन सकते हैं। इंशाल्लाह आगे भी जो है बाकी के अजवाजे मुतहरात की सीरत का मुताला किया जाएगा। बस अल्लाह ताला हम तमाम को अजवाजे मुतहरात की जिंदगी के कुछ न कुछ हिस्से को अपनी जिंदगी में लागू करने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम तमाम के मुश्किलात मामलात को अल्लाह रब्बुल इज्जत सहल फरमा दे, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हम तमाम को सेहत और आफियत के साथ रखे, रिस्क हल रिस्क में बरकतें अता फरमाए, आमीन। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम। किसी का कुछ सवाल है तो मैम, कोई पूछ रहे मैम, मुफाल मुवाफिल का मीनिंग क्या है? बोलते मुवाफिल का मीनिंग मगाफिर, मुवाफिल बोल के टाइप कर रहे थे मैम, सॉरी। लिखे ना जवाब उसमें अज़वाजे मुतहरात। अच्छा, यहाँ पर कोई टाइप कर दीजिए चैट में। बाजी अल्लाह के नबी के मुंह से जो बो आई थी ना, उसके बारे में पूछना चाह रहे शायद। हाँ, वो मगाफिर जी, मगाफिर है शायद, मगाफिर है, मगाफिर है जी। वो भी क्या है मैम? हेलो
फिर यानी उसकी कैफियत, यानी जो शहद की मक्खी जो है, मतलब हर चीज की जो है मक्खी, शहद की मक्खी हर एक दरख्त से जो है वो इनसे यानी अपने अंदर वो चूसती रस को और शहद बनाती ना, तो इस वजह से जो एक दरख्त का नाम यानी जिससे जो है गूंद हासिल होता था, तो मगाफिर जो है उससे निकला है, मगफूर उशर। तो उसकी बो जो है बहुत ज्यादा यानी शहद की, यानी बस एक ये प्लान है क्या उसकी जी, मतलब शहद जितना मीठा रहता वो उसका ऑपोजिट नेचर रहता शायद वो स्मेल का। नहीं मतलब अजवाज यानी जो आयशा रदियल्लाहु अन्हा जो और जो हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा जो एक प्लानिंग कर रहे थे बस, मगाफिर मतलब वो ऐसा मालूम होता था कि वो एक दरख्त का जिसे गूंद हासिल होता, तो वो जो है डायरेक्ट शहद नहीं बोले जैसा मगाफिर की बो बल्कि ऐसा बात बता दिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते कि शहद की बो रहने से ये लोग ऐसा फील कर रहे हैं, इसलिए जो है जी जी ठीक है।